हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के छठे दिन व्रत की तिथि, यानी कि छठे नवरात्रि को कौन सी देवी की पूजा की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा सामग्री और माँ का प्रिय रंग, भोग और मंत्र, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है। छठे दिन दुर्गा माँ के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा होती है। इन्हें गौरी, उमा, हेमावती और ईश्वरी भी कहा जाता है। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा था। शास्त्रों के अनुसार माँ के छठे रूप की पूजा से विवाह संबंधी परेशानियाँ दूर होती हैं और मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। अगर आपके भी वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ हैं या आपको आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको माँ कात्यायनी की आराधना जरूर करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, माँ का प्रिय रंग और माँ कात्यायनी का प्रिय भोग, साथ में जानेंगे माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के छठे दिन जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा उपासना की जाती है। अविवाहित जातक शीघ्र विवाह हेतु माँ कात्यायनी की पूजा उपासना करते हैं, साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो विवाहित जातक हैं वो सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए माँ की उपासना करते हैं। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधक नवरात्रि के छठे दिन सिद्धि प्राप्ति हेतु भी अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं, धन संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। अगर आप भी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के छठे दिन पूजा के समय देवी कवच और स्तोत्र का पाठ और मंत्र जाप अवश्य करें। माँ कात्यायनी की पूजा करने से, व्रत करने से सफलता और यश प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की कृपा से मनचाहा वर और प्रेम विवाह में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहते हैं कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाएं तो उसे अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, मोक्ष, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में नवरात्रि के छठा व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। आज के दिन स्कंद षष्ठी व्रत भी किया जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान स्कंद का जन्म हुआ था और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी की पूजा से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर को प्रातःकाल 12:01 पर और
अश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी समाप्त होगी 20 अक्टूबर को रात्रि के 11:24 पर। पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:48 से दोपहर के 12:34 तक। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, प्राचीन कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका जो स्वरूप है, इनका जो रूप है, बहुत ही अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। माँ का रंग स्वर्ण के समान चमकदार है। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के दाहिनी ओर का जो ऊपर वाला हाथ है अभी मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। देवी कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं और इनकी साधना से हमें हमारे मन का आज्ञा चक्र स्थित होता है। ये आज्ञा चक्र में स्थित होती हैं। आइए जानते हैं माँ का प्रिय रंग क्या है और माँ का पसंदीदा भोग क्या है। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल और पीला है। यानी कि आज के दिन माँ की पूजा के लिए आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। आज के दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ होता है। ऐसा करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और हमें मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर किसी को विवाह संबंधी कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर होती है, मनचाहा वर प्राप्त होता है। और माँ को लाल और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करना शुभ होता है। चाहे वो लाल रंग में गुड़हल का फूल हो या गुलाब का फूल हो या गेंदे का फूल हो, तो लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। और वहीं अगर भोग की बात करें तो माँ के इस रूप को भोग में शहद अति प्रिय है, शहद का भोग लगाना चाहिए। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ कात्यायनी की पूजा का व्रत का संकल्प लें। इसके बाद कलश और गणेश जी और देवी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करें। पूजा स्थल में धूप दीप जलाकर माँ का ध्यान करें और उन्हें पीले या लाल रंग के फूल, कच्ची हल्दी की गांठ, सुहाग का सामान, लाल चुनरी, सिंदूर और उनका प्रिय भोग शहद, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। अंत में व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और देवी कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर आरती करें। आइए जानते हैं इस दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को हल्दी की गांठें अर्पित करने से विवाह के योग बनते हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माँ कात्यायनी को प्रसन्न करें और हल्दी की गांठ अर्पित करें। आज के दिन माँ को शहद अर्पित करने से आकर्षण क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ कात्यायनी के मंत्रों का 108 बार जाप करें और पूजा में 7 कौड़ियाँ, हल्दी की गांठ और चावल अर्पित करें। ऐसा करने से माँ कात्यायनी की कृपा हम पर बनी रहती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शीघ्र विवाह या प्रेम संबंधी मामलों के लिए नवरात्रि के छठे दिन शाम के समय माँ कात्यायनी को हल्दी की 3 गांठें चढ़ाएं और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए पीले रंग के फूल चढ़ाते हुए ओम कात्यायनी महामहे महायोगिनेश्वरी नंद गोप सुत देही पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
हर मंत्र के बाद एक पीला फूल माता को अर्पित करते रहें। गोबर के उपले जलाकर उस पर लौंग और कपूर की आहुति दें। माना जाता है कि विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित हर समस्या का निवारण होता है। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसके अलावा माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के छठे दिन पूजा के समय देवी कवच और स्तोत्र का पाठ और मंत्र जाप अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।